स्टूडेंट्स वेलकम बैक आर टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इसे पहली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आई होप कि लेवल्स आपको क्लियर हो गए होंगे देवर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ना टॉप लेवल मिडल लेवल एंड लोअर लेवल इन टूडेज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शन होते हैं वैसे देर आर फाइव फंक्शन याद रखना बच्चे देर आर फाइव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ओके नंबर वन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आई रिपीट अगेन नंबर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग नंबर सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग देन स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ओके लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर मदर मैंने आपको ये मैनेजमेंट में स्टार्टिंग में भी एग्जाम्पल दिया था आज फिर से वो एग्जाम्पल देती हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग योर मदर गेट्स अप शी प्लान्स कि आज खाने में क्या बनेगा कौन सी काम वाली क्या काम करेगी है ना ये सारा कुछ क्या करती है प्लान करती है ताकि मेरा काम सारा अच्छे से हो जाए इसीलिए तो प्लानिंग करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क शी प्लान शी प्लान आज खाने में क्या बनेगा देन वो क्या करती है वट ऑल डू आई रिक्वायर टू गिव शेप टू माई प्लान विच आई प्लान कि मेरे को अपने प्लान को शेप देने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल इफ शी थिंग्स कि आज खाने में नूडल्स बनेंगे है ना तो अब नूडल्स बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो क्या करेगी देन शी विल ऑर्गेनाइज द इनग्रीडियंट्स टू मेक नूडल्स है ना यहां पर तो वो क्या कर रही है प्लानिंग में प्लानिंग में शी इज ऑनली प्लानिंग वट आई एम गोइंग टू कुक या कोई भी मेड है ना कि मैं आज क्या बना रही हूँ बट इन नेक्स्ट स्टेप वट शी विल डू शी विल ऑर्गेइज द इनग्रीडियंट्स ओके तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है चीजों को ऑर्गेनाइज करना देन स्टाफिंग अब स्टाफिंग में क्या है सोच लिया कि मुझे कितनी मेड की रिक्वायरमेंट है स्टाफिंग में क्या करेगी मेड्स को अपॉइंट करेंगी अपना काम करने के लिए अगर उनको चाहिए कि मेरे को कपड़े धोने की भी मेड चाहिए मुझे बर्तन धोने की भी मेड चाहिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मेड चाहिए and after that what she will do she will direct the maid she is not going to do the work herself wo apna kaam khud nahi kar rahi hai she is directing the maids ki kaam ko kaise karna hai okay and last is controlling and what she is doing at last wo kya karengi she will check the food कि क्या जो मैंने खाना सोचा था बनाने के लिए क्या वो खाना अच्छा बना है She will taste the food. She will check the food. शी विल चेक द क्लोथ्स कि जैसे मैंने चाहे थे कपड़े वैसे वॉश हो गए हैं जैसे मैंने घर की सफाई चाहिए थी वैसे सफाई हो गई है या नहीं हो गई है सो so, मैं आपको ये एग्जाम्पल आपके एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बताती हूँ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है प्लानिंग प्लानिंग में क्या होता है हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है ओके okay? प्लानिंग में हमने सारी प्लानिंग कर ली कि हमें ये ये काम करना है, है ना और ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा एंड सोन ऑर्गेनाइजिंग में अब अपने प्लान को शेप देने के लिए हमें डिपार्टमेंट्स भी चाहिए पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कितने इम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी जैसे आपका कोई स्कूल है स्कूल में प्लानिंग कर ली कि हाँ भाई हमने एक स्कूल खोलना है प्लान कर लिया सारा कि फर्स्ट टू ट्वेल्थ खोलेंगे ऐसे ऐसे ठीक है तो उसके बाद क्या करेंगे प्लानिंग तो कर ली जब तक ऑर्गेनाइजिंग नहीं करोगे तो क्या प्लानिंग सक्सेसफुल होगी प्लानिंग तो फिर एक पेपर वर्क ही रह जाएगा ना ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्लानिंग को प्लानिंग में हमने सोच लिया कि हमें फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक स्कूल खोलना है ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे कि कौन प्रिंसिपल होगा कौन वाइस प्रिंसिपल होगा कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी कितने डिपार्टमेंट्स होंगे एंड सो ऑन ओके ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना एंड आफ्टर दैट स्टाफिंग अब स्टाफिंग में हम क्या करेंगे स्टाफ को अपॉइंट करेंगे टू अपॉइंट द राइट पर्सन एट राइट जॉब राइट right पर्सन को राइट right जॉब पर अपॉइंट करना राइट पर्सन एट राइट जॉब का मतलब जो जिस चीज में एफिशिएंट है उसको वही ही डिपार्टमेंट देना लाइक like अगर इंग्लिश टीचर है तो उसको इंग्लिश सब्जेक्ट देना कॉमर्स टीचर को कॉमर्स का ही सब्जेक्ट देना ऐसा थोड़ी है कि उसको हिंदी में भेज दोगे ऐसा तो नहीं है ना तो स्टाफिंग क्या कहता है टू अपॉइंट द राइट पर्सन एट राइट जॉब एंड आफ्टर दैट डायरेक्टिंग उनको डायरेक्ट करना उनको मोटिवेट करना काम को कैसे करना है बेटा ये चैप्टर जो जितने भी ये फंक्शंस हैं ये अपने आप में एक एक चैप्टर हैं वो आप फर्दर आगे पढ़ोगे इन दिस वीडियो आई एम जस्ट टेलिंग यू द यू नो थोड़ी थोड़ी बातें जस्ट प्लानिंग क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है ये अपने आप में ही एक चैप्टर है सो so, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे ओके okay? आपका चैप्टर नंबर फोर है प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सो लास्ट फंक्शन क्या है कंट्रोलिंग इन कंट्रोलिंग हम क्या करते हैं प्लानिंग में हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड सेट करते हैं वी सेट आर स्टैंडर्ड कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया कि इस बार हमें थाउजेंड यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है ठीक है ये हमने प्लानिंग कर ली थी उसके अकॉर्डिंगली सारा काम करा कंट्रोलिंग में क्या करेंगे कि क्या जो हमने सोचा था थाउजेंड यूनिट का प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ मान लो आपने थाउजेंड यूनिट का प्रोडक्शन सोचा था प्लानिंग में बट जब हमने देखा तो सिर्फ नाइन हंड्रेड यूनिट्स का ही प्रोडक्शन हुआ है तो कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे कि हम कहाँ पर रह गए डिविएशंस क्यों आई अगर आई भी तो पहले तो हमें पता चल गया डिविएशंस आई हैं थाउजेंड का था टारगेट बट एक्चुअल वर्क कितना हुआ वी कंपेयर द एक्चुअल वर्क विद द स्टैंडर्ड वर्क एंड फाइंड आउट द डिविएशंस डिफरेंसेस कि डिफरेंसेस क्यों आए हैं ओके okay? तो ये क्या थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ओके okay बेटा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ देर आर फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग प्लानिंग में हम क्या करते हैं प्लानिंग इज अ पेपर वर्क प्लानिंग सिंपली क्या है एक पेपर वर्क है नथिंग एल्स ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं अपने प्लान को शेप देने के लिए क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बन देखते हैं सेटअप करते हैं कौन किसको रिपोर्ट करेगा किसको किससे ऑर्डर मिलेगा स्टाफिंग में हम क्या करते हैं टू अपॉइंट राइट पर्सन एट राइट जॉब जो जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम दो ओके okay? डायरेक्टिंग अब इनको जिनको अपॉइंट करें इनको डायरेक्ट भी तो करना है कि काम को कैसे करना है एंड कंट्रोलिंग एक्चुअल वर्क विद द स्टैंडर्ड वर्क जो हमने प्लानिंग में सेट किया था एंड आफ्टर दैट अगर इफ दे आर एनी डेविएशन देन वी फाइंड आउट द रीजन फॉर डिफरेंसेज कि अगर डिफरेंसेज आए हैं तो क्यों आए हैं ओके आई होप बच्चे आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी थैंक यू